चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राजधानी रायपुर में सुबह करीब 3:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक और बस की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 20 मजदूर घायल हो गए। ये बस ओडिशा के गंजाम जिले से मजदूरों को लेकर गुजरात के सूरत जा रही थी। हादसा राजधानी के मंदिर हसौद इलाके में हुआ। घायलों को अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक गलत दिशा से आ रहा था। मजदूर अनलॉक शुरू होने के बाद मजदूरी के लिए गुजरात के सूरत जा रहे थे। उन्हें लेने के लिए बस सूरत से आई थी। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हालांकि थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने ट्रक बरामद कर लिया। फिलहाल मंदिर हसौद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया है और आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। ये बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और जो मजदूर इसमें घायल हुए हैं उन्हें फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। 7 मजदूरों की बताया जा रहा है मौत हुई है जबकि 20 मजदूर घायल हुए हैं। भीषण सड़क हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है, 20 घायल हुए हैं। ये बस ओडिशा के गंजाम जिले से मजदूरों को लेकर गुजरात के सूरत जा रही थी और हादसा राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में हुआ। घायलों को अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और खबर यह है कि ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ट्रक है वो गलत दिशा से आ रहा था। मजदूर जाहिर है कि अनलॉक होने के बाद अपने काम पर जा रहे थे सूरत, काम करने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए। और हादसे के बाद ट्रक चालक हालांकि ट्रक लेकर फरार हो गया और थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया। तो छेरी खेड़ी के पास एक भीषण बस हादसा हुआ है। बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। पीछे बस आप देख रहे हैं, बस की तस्वीरें। एक साइड से बस के पूरे परखच्चे यहां पर उड़ गए हैं और भीषण टक्कर थी। इसी से समझ में आता है कि ट्रक ने एक टक्कर मारी और आगे जाकर वो एक कच्चे रास्ते पर उतर गया। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, वो जाँच कर रही है। 7 लोगों की फिलहाल मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं। उड़ीसा से गुजरात की ओर ये बस जा रही थी जिसमें मजदूर थे और जिसमें इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है। 50 लोग सवार थे बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम लगातार काम कर रही है अपना। हम कोशिश भी करेंगे उनसे एक बार बात करने की। सर, ये क्या आप लोगों को अभी तक शुरुआती जांच में पता चला है? ट्रक रोड में मुड़ रही थी और बस जो है उधर से रायपुर तरफ आ रही थी, तो ट्रक का जो पीछे का बॉडी है, ट्रक पूरा उतर नहीं पाई थी रोड से, तो उसकी बॉडी से 3 फीट रह गया था बॉडी रोड में। तो ये 3 फीट के पोर्शन से क्या है पूरा डैमेज कर दिया बस को। बस गतिशील था। क्या कोई रॉन्ग साइड पे था ट्रक या बस? नहीं, कोई रॉन्ग साइड पे नहीं था। ट्रक मुड़ रहा था उस कच्ची सड़क में गोडाउन जाने के लिए और बस जो है सीधी रोड में आ रही थी। तो चूँकि ट्रक पूरा रोड को क्लियर नहीं कर पाया था, कुछ पोर्शन रह गया था, जिससे क्या है बस जो है टकरा गया। तेज गति थी ये माना जा सकता है? हाँ, गति तेज थी। तो देखिए, तेज गति थी और ये एक शुरुआती तौर पे निकल कर सामने आ रही चीज यहाँ पर कि तेज वाहन था और बहुत तरीके से समन्वय नहीं बना पाया ये वाहन और साइड जो है बस का वो बुरी तरह टकराया है और क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ से सभी जो घायल थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर जांच कर रही है। आप देख रहे हैं, आप टीम पूरी तरह से यहाँ पर लगी हुई है। क्या आपको शुरुआती तौर पे समझ में आ रहा है? सर, आपको कुछ और कुछ समझ में देख पा रहे हैं आप? आप लोग जांच कर रहे हैं? नहीं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आधा एक घंटा बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये बस की स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत भीषण हादसा है। ट्रक यहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक कच्चे रास्ते पर उतर गया है और जांच हालांकि टीम कर रही है। फिलहाल जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि बहुत तेज गति से वाहन चल रहा था जिसकी वजह से ये हादसा